राम मंदिर पर मनोज सिन्हा ने कही यह बात। सामाजिक संस्थाएं गांधर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 मिलने पर गांधर गौरव समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा थे। रेल मंत्री मनोज सिन्हा गुरुवार को मथुरा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजकों ने अतिथियों को पुष्पगुच्छा देकर की। इसके बाद पर्यावरण को बचाए रखने के लिए गोवर्धन परिक्रमा में साइकिल चलाकर संदेश देने वाले 20 युवक और युवतियों को पर्यावरण मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दूसरों के लिए प्रेरणा बने फैल लोगों को प्रमुख शिक्षाविद स्वर्गीय वीसी राय सम्मान से राम बहादुर राय ने सम्मानित किया। अवसर पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मीडिया से रूबरू होते हुए आगरा डिवीजन में पिछले 4 वर्ष में 1000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। इसके साथ उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती रेल यातायात का समय से संचालन का होना बताया। वहीं इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर गोलमोल जवाब देकर मीडिया के सवालों को टालने की कोशिश की। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष राम अग्रवाल के कहा कि संस्था पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है। युगांधर समाज के लिए संकल्पित और समर्पित युवाओं का संगठन है। युगांधर का गठन 2013 में हुआ। इसके बाद 2014 में युगांधर ने स्वच्छता अभियान को मिशन के तौर पर अपनाया है। कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी सीधे हाथ की तरह ये खाने का नीचे कर लो आईडिया 31 दिसंबर को नीचे कर लो पास करिए। अभी 25 नवंबर को आरएसएस और सिंधु परिषद एक ऐलान करने जा रहे हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? सिंधु परिषद एक स्वतंत्र संगठन है जो देश में लंबे समय से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया में व्यक्त करनी उचित नहीं है। हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से उसको मंत्री जी मंत्री आजम खान कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दा नहीं है, चुनाव मुद्दा है। मंदिर मुद्दा नहीं है, चुनाव मुद्दा। ये आजम खान का बयान है कल का। आजम खान साहब क्या कह रहे हैं उस पर मैं प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ नहीं हूँ। आपको हमसे अगर कुछ पूछना है। लेकिन रेलवे को लेकर मथुरा में आगरा से ज्यादा मथुरा में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और जो जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उनका ठहराव नहीं है और टूरिस्ट बड़ा प्लेस है। ये मथुरा और गोवर्धन कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। मथुरा का अपना धार्मिक महत्व, आगरा का भी अपना विशेष महत्व। पिछले 4-4.5 वर्षों में मथुरा रेलवे स्टेशन पर जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं लगभग 30 करोड़ रुपए हमने खर्च करके उसको पूरा किया है। और भी काम पाइपलाइन में है जो शीघ्र हम पूरा कर लेंगे। मोटे तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय रेल के लिए है वो कंजेशन है, मैंने यातायात का घनत्व। जैसे मथुरा पलवल 3rd लाइन हम बना रहे हैं, 4th लाइन का निर्माण हम कर रहे हैं, तो 3000 करोड़ की परियोजनाएं मथुरा और आसपास केवल सीमलेस ट्रैफिक के लिए इसके लिए हम पूरा कर रहे हैं। और इस आगरा डिवीजन में लगभग 8000 करोड़ की परियोजनाएं पिछले 4 वर्षों में हमने शुरू की हैं, जिनमें काफी कुछ पूरा हो गई है, कुछ चल रही है फाइनल स्टेज में। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि रेलवे का एक अच्छा नेटवर्क इस इलाके में हो इसकी पूरी हमने चिंता की है और भी जो आवश्यकताएं होंगी हमसे पूरा। मंत्री मंत्रा वृंदावन के बीच कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ